रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने सबका दिल एक बार फिर जीत दिया है। वो हर तरफ छाए हुए हैं। सुनील लहरी ने वाकई लक्ष्मण के किरदार में शानदार एक्टिंग की, लेकिन इसके अलावा रामायण से पहले वो कुछ बॉलीवुड फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके थे। सुनील लहरी ने मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के साथ भी काम किया। इसके बाद वो दो और फिल्मों में नजर आए। उन्होंने साउथ की फिल्में भी की, लेकिन कहना ही पड़ेगा कि रामायण ने उन्हें हर घर में काफी पॉपुलर बना दिया था। और अब काफी लोग ये सोचते होंगे कि अब 1987 के दौर में सुनील लहरी इतने मेगा पॉपुलर थे तो फिर उन्होंने अचानक से एक्टिंग करना क्यों छोड़ दिया। तो सुनील लहरी ने ही इसका सच भी बताया है। दरअसल रामायण के बाद सुनील लहरी को किसी भी काम में मजा नहीं आया, लेकिन साल 2005 में सुनील लहरी आखिरी बार आशा पारेख के साथ जुड़े थे। लेकिन इस टीवी प्रोजेक्ट में भी सुनील लहरी को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए टीवी इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, लक्ष्मण के किरदार ने जिस मुकाम पर मुझे पहुंचाया, उस लेवल का रोल मुझे ऑफर नहीं हुआ। कोशिश की कि हल्के रोल कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। इस तरह से मैंने एक्टिंग की दुनिया को ही अलविदा कह दिया। वेल, उधर अगर हम बात करें आशा पारेख के उस शो की, तो वो कौन सा टीवी शो था जिसमें सुनील लहरी नजर आने वाले थे, इसको लेकर तो कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि साल 2005 में वो एक टीवी शो जरूर करना चाहती थी, लेकिन फिर वो शो नहीं बन सका। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि साल 2000 से लेकर साल 2005 के दौर में आशा पारेख ने भी टीवी का रुख किया था और कई बड़े बड़े शोज प्रोड्यूस किए, जिनमें कोरा कागज, कंगन, कुछ पल साथ तुम्हारा और कई गुजराती सीरियल्स भी शामिल हैं। ऐसे में कहा जाता है कि साल 2005 में आशा जी सुनील लहरी को लेकर ही एक गुजराती शो करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त चीजें सेट नहीं हो पाई और ये शो कभी नहीं बन सका। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि इधर सुनील ने टीवी की दुनिया को अलविदा कहा, तो वहीं आशा पारेख जी ने भी टीवी को सायोनारा कर दिया। लेकिन अब दोबारा सुनील लहरी चर्चा में है। लोग उन्हें टीवी पर दोबारा देखने की डिमांड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि फैंस की डिमांड पर सुनील लहरी क्या फिर से पर्दे पर नजर आएंगे। वेल, अगर ऐसा होगा तो ये डेफिनेटली फैंस के लिए एक गुड न्यूज होगी।